और इस बीच जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एएनबी न्यूज जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सस्पेंड डीएसपी देविंदर सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कुपवाड़ा के दो शिक्षक भी इसी मामले में बर्खास्त किए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। उपराज्यपाल का बड़ा एक्शन, देविंदर सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। सस्पेंड डीएसपी देविंदर सिंह बर्खास्त किया गया। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि इसी मामले में दो शिक्षक भी जो कि कुपवाड़ा के हैं उनको भी बर्खास्त किया गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बड़ा एक्शन लेते हुए डीएसपी देवेंद्र सिंह को बर्खास्त कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए देवेंद्र सिंह की साठगांठ जो थी 2019 में जग जाहिर हुई थी, जब इन एनआईए ने जांच में पाया था कि देवेंद्र सिंह के संबंध जो हैं वो आतंकियों के साथ और उनका पैसा लेकर और कुछ आतंकियों के साथ लेकर ये श्रीनगर से निकल रहे थे और रास्ते में आईजी के कहने पर इनको पकड़ा गया था और उसके बाद से इनके ऊपर केस चल रहा था। और हालांकि उस दौरान इनको सर्विस से नहीं निकाला गया था, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब से यूटी सरकार बनी है तो बड़े अहम फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं और इसी के चलते आज उपर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो डीएसपी हैं उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सस्पेंड डीएसपी देवेंद्र सिंह को बर्खास्त किया गया है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।